जिस तरह विदेश में जाकर राहुल गांधी ने लोकतंत्र का मजाक उड़ाने का काम किया और विदेश में जाकर राहुल गांधी जी ने भारत के संविधान बाबा साहब अंबेडकर द्वारा इस देश में आरक्षण की व्यवस्था को दिए जाने के उसका भी मजाक उड़ाने का काम किया और राहुल गांधी के डीएनए में आरक्षण विरोधी नीतियां हैं। राहुल गांधी जी के परदादा पंडित नेहरू ने भी आरक्षण का विरोध करने का काम किया था और तत्कालीन सभी मुख्यमंत्री के को पत्र लिखकर इसका विरोध जताने का निर्देश भी दिया था। उसी तरह श्रीमती इंदिरा गांधी भी इस देश में गरीबों को, पिछड़ों को, दलितों को आरक्षण नहीं मिले, वो भी अपने राज में यही करते रही। राहुल गांधी जी के पिताजी स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने भी जब मंडल कमीशन इस देश में लाया गया तब भी गांधी परिवार ने आरक्षण का विरोध किया पानी पी पी कर। और आज आरक्षण विरोधी डीएनए राहुल गांधी का साबित हो गया कि विरोध में जाकर, विदेश में जाकर उन्होंने विरोध करने का काम किया और कहा कि आरक्षण हम समाप्त कर देंगे। कांग्रेस पार्टी लगातार माइनॉरिटी को आरक्षण देने का काम कभी आंध्र प्रदेश में करती है, कभी कर्नाटक में करती है और जितने भी माइनॉरिटी यूनिवर्सिटीज हैं सब में आरक्षण को समाप्त करने का काम कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोगों ने किया। इसलिए पूरी तरह कांग्रेस एक्सपोज भी हो चुका, डिपोज भी हो चुका और देश की जनता ने सही फैसला लिया कि फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार बनाया, जो नरेंद्र मोदी जी लगातार ये गारंटी के साथ 2014 से कह रहे हैं कि इस देश में जब तक नरेंद्र मोदी की सरकार है आरक्षण को कोई छू नहीं सकता है। और ये हमारा इतिहास कहता है, जब स्वर्गीय कपूरी ठाकुर, भारत रत्न कपूरी ठाकुर जी को बिहार में मुख्यमंत्री बने तब भी बिहार में पहली बार अति पिछड़ों को आरक्षण जनसंघ के सहयोग के साथियों के सहयोग से मिला।